आज मैं आपको इस रेजिडेंशियल सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाँ, ये डिस्प्ले है और ये प्रोग्रामिंग के लिए चार स्विच, चार बटन्स हैं जिससे ये प्रोग्रामिंग होगी। ये सेलेक्ट है, ये अप डाउन और ये एस्केप। स्पेशली ये वाला जो बटन है ये हम मैनुअल रीचार्जिंग के लिए प्रोग्राम करते हैं, यानी कि अगर आप कभी मैनुअल रीचार्ज करना हो तो आप इस बटन से रिचार्ज कर सकते हैं। जनरली हम ये तीन जो स्विचेस है इसे प्रोग्राम करते हैं। ये डिस्प्ले एरिया है जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है और हम प्रोग्रामिंग के टाइम में इसी को देखकर सारी प्रोग्रामिंग करते हैं। इसकी सबसे पहले तो इस डिस्प्ले के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये इस तरह से जब मशीन शुरू होती है तो ये सारे के सारे जो इसके सिंबल्स हैं और ये सारे डिस्प्ले थोड़ी देर के लिए ग्लो करते हैं। इससे ये पता लगता है कि हमारे सारे के सारे इंडिकेटर प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। ये अब मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको, पीछे लेके जाओ। ये जो इसमें ये पैरामीटर्स जो है ये प्रोग्रामिंग एंड डिस्प्ले है, ये यहाँ पर ये पैरामीटर सारे फीड इन होते हैं। ये एरिया है जहाँ पर हम पैरामीटर्स को फीड करते हैं। यहाँ पर ये आप देखेंगे कि दो तरफ ये बार्स हैं। ये दोनों बार जब ये सर्विस मोड पे होता है यूनिट तो ये दोनों बार ऊपर को फ्लो करते हैं। अब ये मोड के सिंबल्स मैं आपको बताऊंगा, ये किस मोड पे चल रहा है उसके बारे में ये डिटेल्स में आपको बताऊंगा। अब ये वाला जो सिंबल है ये इंडिकेट करता है कि आपका जो रिमेनिंग वाटर सॉफ्टनिंग की कैपेसिटी कितनी रह गई है अगले रिचार्ज से पहले। ये जो सिंबल है ये आवर ग्लास का सिंबल है, इससे आपको पता लगेगा कि आप कितना पानी और मीट्रिक क्यूब में और अवेलेबल है जो आपको सॉफ्ट वाटर बिफोर रीजनरेशन मिल पाएगा। ये दूसरा सिंबल है, चाबी जैसा सिंबल है, ये की स्विच को लॉक, ये जितने भी कीज है प्रोग्रामिंग की उनको लॉक का इंडिकेशन है कि इस टाइम कोई भी स्विच आपका काम करने वाला नहीं है जब ये सिंबल ग्लो कर रहा है। इसके बाद ये क्लॉक जैसा सिंबल है, जब ये ग्लो करता है तो डिस्प्ले पे यहाँ पर रियल टाइम एक्चुअल टाइम 24 आवर्स के हिसाब से डिस्प्ले होता है। ये सिंबल सेटिंग का सिंबल है, जब ये मशीन सेटिंग के मोड पे होती है तो ये सिंबल ग्लो करता है, अदरवाइज ये सिंबल ग्लो नहीं करता।